नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी ये सुबह का टाइम है। सुबह में पूरे आंगन को झाड़ू उड़ू कर दिए हैं, उसके बाद यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। और अंदर में देखिए, अंदर में झाड़ू नहीं किया हुआ था, तो यहाँ पर मेरी दीदी झाड़ू कर रही है। और बहुत ज़्यादा कचड़े हो जाते हैं हमारे ये चारों ओर से झाड़ू करके निकालने के बाद, क्योंकि अमरूद का पेड़ है, तो अमरूद में बच्चे लोग चढ़ते उतरते रहते हैं और डंटा से भी कभी कभी मारते हैं, इसलिए पत्ते भी गिर जाते हैं और साथ में अमरूद भी। तो पका हुआ है अमरूद, तो रात में बादुर बोलते हैं ना, वो आता है और खाने लगता है, तो वो गिर जाता है, बहुत ज़्यादा गिर जाता है, तो उससे बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है हमारा आंगन। और यहाँ पर मैं उठा रही हूँ ये बिछौना, तो बिछौना भी साफ़ सफाई करनी बहुत ही ज़रूरी पड़ जाती है। पहले तो बिछौना ही हमें साफ़ करनी चाहिए, क्योंकि बिछौना पड़ा हुआ रहता है तो हमारे शरीर को भी मतलब गिरा हुआ महसूस होगा और काम में मन नहीं लगेगा, इसलिए बिछौना हमें हमेशा ही उठा करके रखना चाहिए और साफ़ सफाई से ही रखनी चाहिए बिछौना को। और बोलते हैं खाना और बिछौना साफ़ सफाई होना चाहिए, तो यही सब को देख करके हमें काम करनी पड़ती है। तो हम यहाँ पर उठा देते हैं इसको और झाड़ देते हैं। बच्चे लोग यहाँ पर खेलते रहते हैं, इसलिए चेंज नहीं कर रहे हैं। जब शाम होगा सोने का टाइम, उस टाइम हम चेंज कर लेंगे और इसको उठा देंगे, क्योंकि अभी बच्चे तो रोहिणी और रोहन रह जाएंगे और चांदनी सूरज और रोशनी चले जाएंगे स्कूल। तो ये लोग तो चले जाएंगे, लेकिन बच्चे छोटे छोटे रहे हैं ना, वो दोनों छोड़ जाएंगे, तो यहीं पर बैठ करके वो लोग टीवी देखेंगे, इसलिए छोड़ देते हैं अभी बिछा करके ही। और यहाँ पर देखिए, रोशनी खाना खा रही है। हम बोल रहे थे कि जल्दी खाओ बेटा और चल जाओ स्कूल, तो ये खाना उना खा ली है और ड्रेस भी पहन ली है। सुबह में उठ करके नहा धो ली है, ड्रेस व्रेस पहन ली है, उसके बाद खाना खा करके जा रही है। तो खाना में सुबह इन लोगों के लिए नाश्ता के लिए मैं जो खाना था रात में, उसी को मैं गर्म कर दी हूँ और सुबह में सब्जी कुछ को मैं भूंज दी हूँ, तो उसको खा करके लोग चले जाएंगे, क्योंकि आज जल्दी उठना था लेकिन कुछ लेट हो गया। आजकल बच्चे स्कूल जाते हैं तो जल्दी उठना पड़ जाता है, जल्दी खाना बनाना पड़ जाता है। ये लोग 8:30 बजे लगभग निकलते हैं यहाँ से, और वहाँ पर 9 बजे आजकल प्रार्थना शायद होता है, तो इसलिए जल्दी लोग को निकलना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं, लोग खेलते खेलते जाते हैं तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है, इसलिए जल्दी खाना वाना बना करके भेजना पड़ता है। ये लोगों को भेजने के बाद मैं घर के पूरे काम करती हूँ, उसके बाद रोज़ दिन का ये रूटीन नहीं रहता है। जब मुझे टाइम मिलता है ना, तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ, उसके बाद सभी काम निपट जाता है। लेकिन आज हुआ ना कि ये लोग के जाने के बाद मेरा काम हुआ, तो अभी मैं झाड़ू कर रही हूँ। वो लोग चले जाते हैं इस टाइम, चांदनी रोशनी और प्रीति सूरज, ये सभी चले जाते हैं स्कूल। उसके बाद मैं घर के पूरे सारे काम मैं कर लेती हूँ और साफ सफाई होती है वो भी कर लेती हूँ। तो वो लोग चले गए हैं इस टाइम, उसके बाद मैं यहाँ पर बना रही हूँ सब्ज़ी। तो सब्ज़ी मैं आज ऐसा बनाई थी, मैंने बहुत ही पसंद किया सभी को, और सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से पेट भर के खाना खाए, लेकिन आप लोगों को दिखा मैं नहीं पाई, क्योंकि खाने पीने वाला को मैं शूट नहीं कर पाई और ज़्यादा मैं शूट भी नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चे लोग बैठे हुए रहते हैं साथ में। और रोहन है ना, जब मैं शूट करती हूँ वीडियो, तो जब देख लेता है मोबाइल को तो छीनने लगता है, इसलिए मैं खाने पीने का टाइम में नहीं दिखा पाती हूँ। तो यहाँ पर मैं सभी तैयार कर ली हूँ, आलू बॉयल कर ली थी और बरी भी, उसको फ्राई करेंगे, तभी मैं बरी फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ। और यहाँ पर देखिए बच्चे, उसके पापा और ये रोहन खेल रहे हैं, तो वो भी अपने काम पर लगे हैं। और हम यहाँ पर देखिए, हमको किचन कर रहा था रोहन, थोड़ा सा ये बोल रहा था ना हमको मोबाइल चाहिए, तो हम बोल रहे थे अभी रुक जा बेटा, थोड़ा सा शूट करने दो, आज मैं वीडियो नहीं शूट की हुई हूँ। तो ये बोल रहा था नहीं मुझे चाहिए, क्योंकि बच्चे तो जिद्दी होते हैं, तो इसको मैं किसी तरह ठक ठका करके रखी, उसके बाद थोड़ा सा शूट की, उसके बाद मैं यहाँ पर उसको सुलाने के बाद मैं यहाँ पर बना रही हूँ सब्जी, क्योंकि इतना ज़्यादा परेशान करने लगता है तो जिद्दी भी बहुत ज़्यादा है, तो उसको देना ही पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा सा मैं उसको तेल उल डाल दी, नहला धुला करके, वो तो नहाया था सुबह में ही, लेकिन उसको तेल उल डाल दी, उसके बाद वो सो गया, उसके बाद मैं यहाँ पर खाना बनाने लगी।
तो खाना तो बन गया है, लेकिन सब्जी हमारा बनेगा आज बॉयल आलू और सोयाबीन बरी की, जो आलू दम जैसा बनता है ना वही बनाएंगे हम, मसाला पीस करके। आज हम बनाएंगे सिलवट में पीस करके सब्जी, बहुत ही टेस्टी लगता है सिलवट का, सिलवट में पीसा हुआ मसाले के सब्जी बहुत ही टेस्टी लगता है, तो अभी बना सकते हैं वैसे। और उसमें हम मसाला डाले हैं जो डालते हैं ना रोज़ वही, और आप लोग गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन हम गरम मसाला नहीं डाले हैं। तो यहाँ पर हम चढ़ा दिए हैं कढ़ाई, उसमें हम डाले हैं मिर्चा, सॉरी प्याज और टमाटर। तो इसको हम भून लेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद इसमें हम पेस्ट बनाए हुए हैं तो वही डालेंगे। तो यहाँ पर हम मसाला निकालते हैं अभी, जो डालना है रोज़ डालते हैं ना वही मसाला, तो उसी को हम निकालेंगे अभी। उसके बाद अभी हम इसको भून लेते हैं अच्छी तरह से और यहाँ पर डालते हैं ये मसाला। तो इसको हम डाल लेते हैं, पेस्ट में ही निकाल रहे हैं, उसमें मिला लेंगे अच्छी तरह से और एक ही बार डाल देंगे, उसको भूनने के लिए अच्छा होता है इसलिए। तो इसमें अभी अच्छी तरह से इसको हम भून लेंगे, थोड़ा सा पकने देंगे ये टमाटर को। हमारे रोहन के पापा बोलते हैं टमाटर थोड़ा गलने देना, क्योंकि खड़ा खड़ा रहता है, हमको अच्छा नहीं लगता, उसे पसंद नहीं आता है, जो टमाटर का जो छिलका टाइप का रहता है ना वो भी उसे पसंद नहीं है, पूरा उसको मतलब गिल्ला चाहिए। तो कोई 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 टमाटर ऐसा होता है ना तो पक नहीं पाता है, तो ऐसे में उसको मिल ही जाता है किसी तरह से उसको। मिर्चा टमाटर का वो होता है ना जो नहीं पकता है वो टमाटर, ये सब उसे पसंद नहीं है, लेकिन किसी किसी तरह से उन्हीं को मिल जाता है वो सब, तो इसलिए बोलते हैं कि हमको ये सब बिल्कुल नहीं पसंद है। तो देखिए कितना चटपटी से सब्जी बन रहा है हमारा। तो आज हम इसको काटे नहीं है, बस बॉयल किए हैं, छील करके गोटा ही डाल दिए, खड़ा ही डाल दिए, बहुत ही टेस्टी लगा था दोस्तों। आप लोग भी इस तरह से बना करके खा सकते हैं, और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगता है हमारा वीडियो। और प्लीज़ आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह से मैं रेसिपी लेकर के आती रहती हूँ और कुछ बातें इस तरह से करती रहती हूँ। तो आप लोग भी मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ कर लीजिए मेरे चैनल को सपोर्ट। और यहाँ पर देखिए दोपहर में ये लोग को 3 बजे छुट्टी हो जाता है स्कूल, तो आ गए हैं। उसके बाद यहाँ पर ड्रेस भी नहीं खोले हुए हैं और यहाँ पर सभी को बैठ गए हैं। तो उसके बाद मैं सोची कि थोड़ा सा यहाँ पर लिपाई भी कर दूँगी, तो पहले तो झाड़ू कर लेती हूँ यहाँ पर, थोड़ा देर सभी को बैठे मस्ती किए, उसके बाद यहाँ पर हम झाड़ू कर लेते हैं थोड़ा सा, चटाई उटाई यहाँ पर बैठते हैं तो थोड़ा सा साफ तो लगना ही चाहिए, तो थोड़ा सा लिपाई भी कर लेती हूँ। और यहाँ पर बैठने उठने के लिए अच्छा लगता है इसलिए मैं साफ़ सफाई रखती हूँ। यहाँ पर देखिए कितने गंदे दिख रहे हैं अभी, क्योंकि बच्चे लोग बैठे थे स्कूल से आकर के, तो पेज फाड़ देते हैं कभी, इधर उधर हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा गंदा हो जाता है। और हमारे घर में थोड़ा सा शोर मच रहा है तो प्लीज़ इग्नोर कर लीजिएगा, बहुत सारे हमारे बच्चे हो गए हैं, बहुत सारे मतलब ढेर सारे बच्चे हमारे घर में, तो थोड़ा सा हल्ला गुल्ला तो होता ही रहता है। और इसी तरह से हल्ला गुल्ला में मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, और 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं डाली हूँ। मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि आप वीडियो क्यों नहीं ला रहे हैं, तो वो लोग को मैं कहती हूँ क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा मेरे यही हाल है कि मैं नहीं कर पाती हूँ। और यहाँ पर मैं साफ़ करूँगी अभी पहले, तो गोबर का घोल मैं बना ली हूँ, उसको मैं लाऊँगी और यहाँ पर लिपाई कर दूँगी। मिट्टी और गोबर से लिपना हमेशा हमको अच्छा लगता है। आप लोग बोलते हैं कि आप हाथ से लिपाई करते हैं, आप झाड़ू से लिपाई करते हैं, हाँ हम दोनों से लिपाई करते हैं, मुझे दोनों से लिपना अच्छा लगता है। आप लोग के दुआ से सब कुछ मुझे आता है, हाथ से भी लिपना और झाड़ू से भी लिपना। तो यहाँ पर देखिए मैं लिप रही हूँ अभी गोबर और मिट्टी से घोल बना करके। हमारे घर में कोई आए हुए थे, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे, मैं इधर शूट कर रही हूँ मतलब भैंस उबर कर रही हूँ, और वो बाहर से चिल्ला रहे थे तो मैं चली गई थी, उसके बाद आई हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा पिंडा लिपा गया है, लिपा रहा है, और अभी हम यहाँ पर ही लिपेंगे और अब अंदर नहीं लिपेंगे, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है, तो 3 बजे छुट्टी हो गया है बच्चे का स्कूल, तो सभी आ गए हैं, तो अभी लगभग 4 बजा हुआ है, तो आधा घंटा तो बैठ ही गए थे बच्चे लोग, तो उसमें टाइम निकल गया। तो यहाँ पर हम लिपाई कर रहे हैं अभी, और देखिए कितना सुंदर लगता है घर दरवाज़ा लिपने से, लेकिन अचानक बारिश हो जाता है तो छींटा पड़ जाता है, तो उसके कारण थोड़ा सा गंदा भी दिखाई देता है, पर हम लिपाई छपाई करते रहते हैं तो ठीक ही लगता है हमें इस तरह से काम करते हुए। और हमारा घर में अभी बच्चे सभी टीवी देख रहे हैं, मैं इधर लिपाई कर रही हूँ और उनके पापा लोग अपना काम कर रहे हैं बाहर, और अभी बच्चे भी परेशान नहीं कर रहे मुझे। देखिए रोहिणी बाहर और अंदर हो रही, इसको हम डांट रहे थे अंदर बाहर मत हो, लेकिन ये सुनती कहाँ है, बहुत ज़्यादा ये परेशान करती है, ये भी थोड़ा नटखट्टी है। तो हमारा यहाँ पर लिपा जाएगा, उसके बाद मैं अभी लिपाई कर लूँगी, फिर अभी बाहर
कपड़े उपड़े भी हैं। कपड़े अंदर करने के बाद दो चार तो थाली भी है, अभी बच्चे लोग खाना उना खाए थे स्कूल का, स्कूल से आकर के, तो वो थाली भी धोने हैं। तो पहले लिपाई कर लेती हूँ, उसके बाद ही हम अभी ये करेंगे। और देखिए यहाँ पर मेरी दीदी बैठी हुई है पास में, वो बोल रही थी कि अभी क्यों लिपाई कर रही है, अभी तो शाम हो रहा है। हम बोल रहे हैं कि अभी ये लिप देते हैं, सुबह में थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो बोल रही कि आज बारिश होने वाला है मत लिपो। हम बोल रहे थे होने दीजिए, आज मैं लिप के ही रहूँगी। तो ऐसी तो मजाक होती रहती है बहन भाई में, तो ऐसे ही कर रहे थे हम लोग भी। मेरे दीदी लोग भी बहुत ज़्यादा मजाक उजाक करते हैं और ऐसे ही टाइम पास हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम इतना दूर लिपाई कर लिए हैं और इस टाइम बहुत ही अच्छा, मतलब बारिश तो हो रहा था लेकिन लाइट बहुत अच्छा था, तो पंखा चला देंगे जल्दी सूख जाएगा। और बच्चे लोग भी यहाँ पर खेलेंगे, यहाँ पर बैठते हैं खाना उना खाते हैं, तो थोड़ा साफ़ सफाई रखती हूँ मैं, इसलिए लिपाई करती रहती हूँ मैं। बराबर लिपाई छपाई वाला मैं दिखाती हूँ आप लोगों को वीडियो में। तो मेरा मिट्टी का घर है तो लिपाई छपाई करना तो पड़ता ही है, क्योंकि एक दो दिन नहीं लिपेंगे तो तुरंत गंदा हो जाता है और मिट्टी भी निकल जाता है, तो इसलिए तो लिपाई छपाई करना ही पड़ता है। और हमेशा मैं लिपाई और छपाई करती रहती हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है इस तरह से काम करना। और एक दो दिन हम नहीं लिपते हैं तो बहुत ख़राब लगता है कि मैं कैसी हूँ जो लिपाई नहीं की हूँ अभी तक। और जब हम नहाते हैं तो लिपाई करके ही नहाते हैं, क्योंकि घर साफ़ तो हम भी साफ़, घर साफ़ सफाई रहता है तो सभी में मन लगता है काम करने में और देखने में, चलने भूलने में घर में तो अच्छा लगता है। और घर ही साफ़ नहीं रहेगा और नहा धो कर के इधर उधर होने में अच्छा नहीं लगता है, और जब घर साफ़ रहता है तो बिल्कुल साफ़ लगता है और अच्छा लगता है। इधर उधर होते रहते हैं नहा धो कर के, तो मैं झोला वोला भी झाड़ लेती हूँ, उसके बाद ही लिपाई करती हूँ। तो चलिए और मिलेंगे अगले वीडियो।